नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी ऑन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिस गाड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो गाड़ी आज आ चुकी है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर टेक्निकल की क्लासेस प्रारंभ की जाए। तो दोस्तों, आज से हम आपके डिमांड के अनुसार टेक्निकल की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दोस्तों, जो क्लास अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं वो आने वाले जो हमारे जेईएन के एग्जाम है, WRD जेईएन, PhD जेईएन, SSC जेईएन, उन एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, हम उनके हर एक पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ अपन पढ़ें उसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाएं, और जो भी चीज़ अपन पढ़े उसके बारे में अच्छे से समझे, और दोस्तों कंसेप्ट को अच्छे से समझे और प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। दोस्तों, और अपनी अगली क्लास देखने से पहले आप लास्ट क्लास का एक बार रिवीजन जरूर करें। और दोस्तों, ये क्लास जेईएन के एग्जाम के साथ साथ जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों को कवर करके चलूँगा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और जो अपनी क्लास है दोस्तों ये मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थियों के साथ साथ सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वह सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में भी चलता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चलता है। और दोस्तों, ये क्लास पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों के साथ साथ बीटेक के विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो वही, सिलेबस वही, कंसेप्ट वही। और मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश पर फोकस करें, इंग्लिश के शब्दों को अच्छे से समझे, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म है वो अपन को इंग्लिश में याद होना चाहिए। दोस्तों, तो जिस सब्जेक्ट के बारे में अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वह सब्जेक्ट अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से दिखते हैं। दोस्तों, ज़्यादा भी दिख सकते हैं, एवरेज ये तो होते ही है दोस्तों। और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है दोस्तों। तो अपन दोस्तों बात करते हैं सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अब दोस्तों, जो सब्जेक्ट है बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ने की अपन को जरूरत क्यों पड़ी, ये सब्जेक्ट मैदान में क्यों आया, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको एक नाम से और जाना जाता है, उसे कहा जाता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को दोस्तों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो दोस्तों, मैकेनिक्स के बारे में आप इंजीनियरिंग में या पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। हालांकि दोस्तों, अपन मैकेनिक्स के बारे में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आज कुछ बेसिक समझते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। मान लो दोस्तों, ये एक सतह है, इस सतह पर एक पिंड रखा हुआ है, और इस पिंड पर दोस्तों अपन ने फोर्स लगाया, एक बल लगाया। बल लगाने के कारण क्या होगा दोस्तों, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। तो इस बल के कारण इस पिंड पर, इस ब्लॉक पर क्या इफेक्ट हुए, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों, किसमें, मैकेनिक्स में। और दोस्तों, जो मैकेनिक्स है इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की किया जाता है। कौन कौन से 3 टाइप्स है दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन की, उसको समझते हैं। पहली जो टाइप है दोस्तों इसके क्लासिफिकेशन की, वह है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है, और एक पूरा सब्जेक्ट है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके। दूसरा क्लासिफिकेशन है दोस्तों मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब दोस्तों, कोई अपन ने फोर्स लगाया तो पिंड में कितना विरूपण आया, कितना डिफॉर्मेशन आया, उसके बारे में डिस्कस जो करेंगे उसे बोला जाता है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिक्स का सेकंड क्लासिफिकेशन है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिक्स के थर्ड क्लासिफिकेशन की। मैकेनिक्स का थर्ड क्लासिफिकेशन है दोस्तों मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, और इसी को कहा जाता है दोस्तों FM, फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके बारे में डिस्कस दोस्तों अपन सॉन्ग के बाद करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट होने के बाद करेंगे। तो दोस्तों मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन है, तो जो सॉम है और जो FM है दोस्तों, ये मैकेनिक्स के क्या है, पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। अब दोस्तों मान लो ये एक सतह है, इस सतह पर ये पिंड रखा हुआ है। अब अपन ने क्या किया दोस्तों, इधर एक फोर्स लगाया F, और इधर भी एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है दोस्तों। इस पिंड का द्रव्यमान M है। अब दोस्तों अपन इधर भी फोर्स F लगा रहे हैं और इधर भी फोर्स F लगा रहे हैं, तो इस पर जो नेट फोर्स है, परिणामी जो बल है, वो क्या रहेगा, नेट फोर्स रहेगा दोस्तों जीरो। जीरो क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगा है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेंगे आपस में, एक प्लस और एक माइनस, क्या हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारे दिमाग में बात आती है कि जब किसी पिंड पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो उसमें विरूपण होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे अपन ने इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाया, हल्की सी स्प्रिंग खींचेगी दोस्तों,
उसकी लंबाई में क्या होगा, विरूपण होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अपोजिट फोर्स, इक्वल अपोजिट फोर्स लगाने से विरूपण नहीं होगा, विरूपण तो होगा। और दोस्तों विरूपण होगा, डिफॉर्मेशन होगा किसी पिंड में, तभी अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर किसी पिंड में विरूपण नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। तो दोस्तों नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होने के बाद भी किसी बॉडी में क्या होगा, विरूपण होगा। ऐसे मान लो दोस्तों अपन ने किसी आदमियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांध दिया और दोनों तरफ उसे खींचा इक्वल फोर्स लगा के, तो क्या उसमें दर्द महसूस नहीं होगा क्या? जो दर्द महसूस हो रहा है वही क्या है, वही डिफॉर्मेशन है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करने के लिए किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब दोस्तों ये तो बात होगी कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो गया, कि नेट मोमेंट भी इक्वल टू जीरो होगा क्या? तो जरूर होगा दोस्तों, जब फोर्स इक्वल टू जीरो हो गया तो नेट मोमेंट भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। किस प्रकार से होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये मान लो दोस्तों एक कैंटिलीवर बीम है, वैसे आप जानते हो कैंटिलीवर बीम को, अपनी इंजीनियरिंग की क्लासों में पढ़ा है, नहीं जानते तो फिर भी याद रख लो, बाद में पढ़ेंगे। ये कैंटिलीवर बीम है दोस्तों, जिसका एक एंड फिक्स है। अगर मान लो दोस्तों अपन ने इस पर मोमेंट लगाया, मोमेंट नेम लगाया और इसको इस एंड को घुमाने की कोशिश करी, इसको नीचे लाने की कोशिश करी दोस्तों, तो ये वाला एंड इसको नीचे आने देगा क्या? नहीं आने देगा। ये क्या करेगा, वापस इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। अपन तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाए, लेकिन ये एंड इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। जो कोशिश करेगा वही रिएक्शन मोमेंट है, वो भी किसके बराबर रहेगा, जितना ये होगा उतना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मोमेंट इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, विरूपण कैसे होगा? दो चार बार अपन इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ से क्रैक्स आएंगे नहीं आएंगे, यहाँ से टूटने का इसका खतरा हो रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। तो यही क्या है दोस्तों, यही डिफॉर्मेशन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के मोमेंट को अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। नेट मोमेंट क्या हो गया दोस्तों, जीरो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए, किसी भी पिंड के लिए, कि उसमें नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए और नेट मोमेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पिंड में डिफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी अपन डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। तो ये तो कुछ बेसिक हुआ दोस्तों अपने, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पहले हेडिंग स्ट्रेन की, यानी जिसे हिंदी में बोलते अपन विकृति। अब बात करते हैं दोस्तों अपन स्ट्रेन की, जिसे हिंदी में बोला जाता है विकृति। अब दोस्तों मान लो ये एक पिंड है जिसकी लंबाई L है, इस पर इधर भी फोर्स F लग रहा है और इधर भी फोर्स F लग रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पहले स्ट्रेस आई या पहले स्ट्रेन आई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैदान में आई वो स्ट्रेन आई, विकृति आई, क्योंकि दोस्तों जहाँ तक पिंड में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, जहाँ तक पिंड में विरूपण नहीं होगा, वहाँ तक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो सकता है क्या? प्रतिरोधीय बल लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। तो प्रतिरोधीय बल नहीं लग सकता तो फिर स्ट्रेस कहाँ से आ सकती है? क्योंकि जो स्ट्रेस आती है, जो प्रतिबल आती है, वो प्रतिरोधीय बल के कारण आती है, रेजिस्टेंस फोर्स के कारण आती है। और रेजिस्टेंस तभी क्रिएट होगा दोस्तों जब अपन क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बॉडी में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन होने के कारण पहले क्या आई, स्ट्रेन आई, विकृति आई। अब बात करते हैं दोस्तों ये स्ट्रेन क्या होती है। अब दोस्तों जब पिंड को अपन दोनों तरफ से खींचेंगे तो इसकी लंबाई में क्या होगा, हल्का सा कुछ ना कुछ तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब मान लो दोस्तों लंबाई बढ़कर क्या होगी इसकी, पहले से कुछ बढ़ेगी और लंबाई बढ़कर अब होगी मान लो एल प्लस डेल्टा एल, फोर्स तो वही। तो दोस्तों अंतिम लंबाई होगी एल प्लस डेल्टा एल और प्रारंभिक लंबाई होगी एल। तो दोस्तों लंबाई में परिवर्तन कितना आया, अंतिम लंबाई में से फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा, लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। तो L प्लस डेल्टा L में से L कटाएंगे दोस्तों तो L से L कट जाएगा, तो लंबाई में परिवर्तन कितना आएगा, डेल्टा L आएगा। चेंज इन लेंथ कितना आएगा, डेल्टा L। और जो दोस्तों जो स्ट्रेन होती है इसे डिनोट करते हैं अपन एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं अपन इससे एप्सिलॉन से। और दोस्तों जो विकृति होती है, जो स्ट्रेन होती है, वो होती है लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को स्ट्रेन कहा जाता है, विकृति कहा जाता है, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, स्ट्रेन।
अब बात की जाए दोस्तों इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूनिट होती है दोस्तों चेंज इन लंबाई। लंबाई में परिवर्तन की कोई यूनिट रहेगी क्या? रहेगी, क्या रहेगी? मीटर। और लंबाई की क्या रहेगी दोस्तों? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, तो दोस्तों इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, ये रहेगी यूनिट लेस। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन स्ट्रेस, प्रतिबल की स्ट्रेस क्या है, ये तो होगी स्ट्रेन। स्ट्रेस जिसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है दोस्तों, इसे समझते हैं दोस्तों। ये एक पिंड है दोस्तों जिसकी लंबाई L है, इस पर दोनों तरफ अपन ने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। तो एक फोर्स लगाने के कारण क्या होगा दोस्तों, इसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो दोस्तों लंबाई बढ़ेगी, इसमें कुछ विरूपण होगा। तो दोस्तों कोई भी पिंड है वो क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की वापस कोशिश करेगा। और इसको ओरिजिनल पोजीशन में जो लाएगा वो कौन लाएगा दोस्तों? फोर्स लगाने के कारण दोस्तों इसके अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होगा, जो इस पिंड को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। उस रेजिस्टेंस फोर्स के कारण, उस प्रतिरोधीय बल के कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होगा दोस्तों, जो प्रभाव उत्पन्न होगा, उसी प्रभाव को कहा जाता है दोस्तों प्रतिबल। ये तो अपनी परिभाषा होगी दोस्तों। न्यूमेरिकली रूप से अपन इसको किस प्रकार से समझते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। मान लो इस पिंड का कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा दोस्तों, होगा। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रतिबल से, स्ट्रेस से। और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों अपन सिग्मा से। तो सिग्मा ये भी हो गया दोस्तों प्रतिबल की फोर्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसे प्रतिबल के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है दोस्तों फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी कुछ यूनिट्स और होती है दोस्तों जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है दोस्तों, इसको पास्कल भी कहा जाता है। तो एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन एक पास्कल की भी बोल सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं पर इसकी सेकंड यूनिट की। अगर मान लो दोस्तों जो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको चेंज करना हो अपन को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में किस प्रकार से चेंज करेंगे दोस्तों, उसको अपन समझते हैं। अपन जानते हैं दोस्तों एक मीटर बराबर होता है 10^3 mm होता है दोस्तों। दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं कि 1 mm बराबर क्या होगा? 1 mm बराबर होगा 1/10^3 meters। ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो 10^-3 meters। तो 1 mm किसके बराबर हो गया दोस्तों? 10^-3 meters के। तो दोस्तों अपन न्यूटन की जगह न्यूटन, mm की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 mm की जगह लिख सकते हैं 10^-3 meters। 10^-3 meters का स्क्वायर करेंगे दोस्तों अपन, तो यहाँ पे आएगा न्यूटन 10^-6 meters का स्क्वायर। अब दोस्तों ये 10^-6 ऊपर जाएगा तो +10^6 हो जाएगा, 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 10^6 को लिख सकते हैं दोस्तों अपन मेगा, क्या लिख सकते हैं? मेगा। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं पास्कल। तो दोस्तों यहाँ से एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष निकलता है कि जो एक न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है 1 megapascal के। किसके बराबर होता है? 1 megapascal के। तो ये भी इम्पोर्टेंट यूनिट है दोस्तों, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ आएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसकी थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। अब मान लो दोस्तों अपन को इसको चेंज करना है किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। इसमें चेंज करना है 1 kN पर एमएम स्क्वायर में। तो दोस्तों किलो आ गया, किलो के आने यानी 10^3 से और मल्टीप्लाई होएगा। 10^3 से और मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ क्या आएगा? एक किलो इधर भी है तो इधर भी किलो से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 10^3 से और मल्टीप्लाई होगा। 10^3 से और मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ क्या जाएगा? 10^9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 10^9 को बोलते हैं दोस्तों अपन गीगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल। तो दोस्तों 1 kN पर एमएम स्क्वायर बराबर होता है 1 GPa के। तो दोस्तों यह भी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना स्ट्रेस, प्रतिबल और स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स।
तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। आज हमने दोस्तों सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया। हमने कुछ बेसिक्स पढ़े कि मैकेनिक्स क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है। तो दोस्तों इसके आगे के बारे में डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक इस चैनल को फैलाएं, अधिक से अधिक इस क्लास के लिंक को शेयर करें दोस्तों, ताकि अपनी जो क्लास की बातें हैं अधिक से अधिक कैंडिडेट्स के पास पहुंच सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।